बनाने में बहुत ही आसान और हम बिहारियों की शान। छठ पूजा का महाप्रसाद ठकुआ के बिना कहाँ पूरा होता है। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूँ छठ पूजा का ये खास प्रसाद जिसे ठेकुआ बोलते हैं। तो चलिए एंड तक बने रहिए, बनाते हैं ठेकुआ। दोस्तों चैती छठ का समय चल रहा है और अभी जिनके घर में छठ होता है वे ठेकुआ जरूर बनाकर खाते हैं और भगवान सूर्यदेव को भोग लगाते हैं। तो मैं बना रहा हूँ ठेकुआ की ये रेसिपी। तो मैंने 1 किलो मैदा लिया है और इसमें मैं डाल रहा हूँ 250 ग्राम गेहूँ का आटा। वैसे आप चाहें तो प्लेन इसे गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं। ठेकुआ एक मीठी रेसिपी है, इसके लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ गुड़ का पाउडर, जैगरी पाउडर, जो कि 400 ग्राम है। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें 250 ml गाय का शुद्ध देसी घी डाला है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इसकी मिठास है और जो घी है ना वो अच्छे से आटे और मैदे के साथ मिक्स हो जाए। दोस्तों अगर आप गेहूं के आटे का बना रहे हैं तो आप इसे थोड़ा खास्ता बनाने के लिए इसमें घी की क्वांटिटी बस बढ़ा दें। मैं इसमें कोई मावा वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। जो ठेकुआ का सबसे इजी और सिंपल रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चीनी का प्रयोग करें तो आप इसमें चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं। आप इसमें सूखी जो नारियल गिरी होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। साथ में आप काजू वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज प्लेन ठेकुआ बना रहा हूँ। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डालकर इसे गूथ लेंगे। तो हमें इसे डो बनाना है इसका, और थोड़ा सख्त डो बनाना है। छठ पूजा में ठेकुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है जो चढ़ाया जाता है। और ऐसे भी अगर आप चाहें तो आप इसे बना करके 10 से 15 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और जब कभी भी हो आप स्नैक्स के टाइम में खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है। और बिहार में खास करके जब लोग ट्रैवलिंग वगैरह पे जाते हैं दूर, तो बिहार में माँ इसे ज़रूर बना कर देती हैं। और ख़ासकर जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे और जब कॉलेजेस में पढ़ते थे और दूर रहते थे घर से, तो जब भी हम छुट्टी में आते थे तो मम्मी इसे बनाकर ज़रूर देती थी। तो ये देखिए मैंने डो इसका बना लिया है। अब मैं इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा सौंफ डाल रहा हूँ। तो लास्ट में सौंफ इस तरह डालकर आप एक बार डो को अच्छे से नीट कर ले और एक सार कर ले। डो बनने के बाद मैंने 10 मिनट रेस्ट पे रखा था। तो चलिए अब हम ठेकुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरह हाथ पर इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेंगे और इसको गोल करके चपटा कर लेंगे। और आप कोई सा भी इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। तो वैसे तो ठेकुआ का मोल्ड आता है, लेकिन अगर आपके घर में कोई इस तरह विस्कर या स्ट्रेनर वगैरह है तो आप उस पर कोई इसे डालकर आप डिज़ाइन दे सकते हैं। जब हम इस तरह ठेकुए का डिज़ाइन रेडी कर लेंगे उसके बाद हम इसे तेल में या फिर आप इसे देसी घी में आप फ्राई कर ले। देसी घी वाला बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे रिफाइंड वगैरह में भी फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही हल्के आंच पर, बहुत तेज़ आंच पर आपको नहीं फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक और थोड़ा कुरकुरा होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो ये देखिए दोस्तों, टेको एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया और ये मैंने सेकेंड बैच भी बना के रखा है, तो इसे भी डाल देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे क्रिस्पी होने तक, कुरकुरा होने तक, और इसका जब कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए बस हम इसे निकाल लेंगे। दोस्तों आपको ठेकुआ खाना पसंद है कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये बहुत तरह से बनाए जाते हैं, सिर्फ आटे के भी बनाए जाते हैं, मैदा के भी बनाए जाते हैं। बहुत लोग आटा, मैदा और सूजी वो भी मिक्स करके बनाते हैं। हर तरह से बनाए, बहुत टेस्टी लगता है और मैदे वाला थोड़ा क्रिस्पी होता है तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने साथ के साथ दूसरे वाले चूल्हे पे भी एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और उधर भी मैं ठेकुआ फ्राई कर रहा हूँ। तो क्योंकि इसे फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ये फ्राई किया जाता है, तो मैंने दूसरे वाले गैस पर भी चढ़ा दिया है ताकि मैं साथ के साथ इसे फ्राई कर लूँ। ठेकुआ बिहार की एक पारंपरिक व्यंजन है जिसे छठ पूजा के टाइम पे तो बनाना एकदम कंपलसरी है, और ये दोस्तों आप ऐसे भी किसी भी समय बना सकते हैं जब भी आपको खाने का मन करे। तो अभी चैती छठ का समय चल रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा ठेकुआ बनाया जाए, तो मैं आपके साथ ये ठेकुआ की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और ये गुड़ वाले ठेकुआ हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जब तक उधर दोनों कढ़ाई में ठेकुआ फ्राई हो रहा है, मैं यहाँ पे ठेकुआ को डिज़ाइन दे देता हूँ। आप देख सकते कितनी आसानी से मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लिए, ऐसे गोल करके चपटा कर दिया, और जो विस्कर है हमारे पास उससे मैं घुमा घुमा के इस तरह डिज़ाइन दे रहा हूँ। और इधर ये देखिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर ठेकुआ फ्राई भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है और बहुत टेस्टी ठेकुआ बने हैं, बहुत क्रिस्पी बन रहे हैं। और आप 1 किलो मैदा में अच्छा खासा बना करके रख सकते हैं। अभी ये थोड़े गर्म है तो थोड़े मुलायम लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत क्रिस्पी हुए दोस्तों। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलता हूं दोस्तों मैं किसी और रेसिपी के साथ मेरे चैनल मील विद माधव पे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।